मॉडल चलो चलो जाओ जाओ तू लोग चला जाओ हम करेंगे छाता खुल गया सबका घर घर पानी है सबका घर घर पानी है बनाना रिकॉर्डिंग मूवी सब मूवी सब लेके भर मोर्चा यही काम जी सर एकदम सही है मुखिया भैया यो नहीं नहीं ठीक बोल रहे थे मुखिया के वहाँ पर से करीब से कोई वीडियो करो ना हम लोग का मुखिया नहीं सुनता सुनो तो सही यार क्या हंगामा कर रहा सुनो आवेदन दिया नहीं दिया सुन लीजिए ना बात क्या कह रहे हैं नहीं दिए सुन लीजिए उसका
का रोड घेर लिए ना बिना सूचना का, जाके दिए कि हमारा हमारा 11 को आज को 11 को वार्ड को महीना नहीं दिया आवेदन नहीं गरीब घर के वही ना कि 2 रुपया देता उन्होंने सीआई साहब ने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। आपने कहाँ सूचना दिया? आपने कहाँ सूचना दी? कहा हम कैसे ले लेंगे? उन्होंने खुद ही कहा हम कैसे ले लेंगे? कैसे क्या मतलब है? आया रोड जाम है, आदमी आया आपके गाँव में आपके लिए खेत के बैठा लीजिएगा, ये तो अच्छी बात नहीं ना हुई। आपको सुनिए, वोट पर आ गए हैं तो क्या इससे पैसा मिल जाएगा? आपको विरोध करने का अधिकार है, आप वोट जाग देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इससे पहले क्या है कि आप लिख के दे दीजिए ब्लॉक में, आप ब्लॉक में लिख के दे दीजिए कि आप हमको नहीं दीजिएगा राहत तो मैं रोड घेर दूंगा, तब तो आप दोषी नहीं थे, लेकिन आज बिना सूचना का बिना कुछ का आप रोड घेर दिए हैं। भाई हम लोग स्वतंत्र हैं अपना काम करने के लिए, सुनू बात ऐसे नहीं होती, अहाँ के पाई नहीं बचल गेहूँ बुझे छे, 3 वार्ड खोल करके किसी वार्ड को पैसा नहीं मिला, तो आप एक आवेदन लिख के देते कि हमको पैसा नहीं दीजिएगा तो हम जो है 10 तारीख को 15 तारीख को 20 तारीख को मैं अपना रोड भेज दूंगा, बाकी जिम्मेवारी आपकी। यही बात मैं लिख करके डीएम साहब को दे रहा था, डीएम साहब वहाँ से टीम भेज देते, गाड़ी लेते, आपने सीआई साहब को सीधे घेर लिया, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। आपने सीआई साहब को घेरा, इन्होंने नहीं लिया आवेदन, मान लेते हैं, हो सकता है ये तो सही माने में लेने का अधिकारी भी नहीं है, करने का अधिकारी हम है, सीओ साहब है या जिला, आपको राहत नहीं मिला, ठीक है, ये सीओ साहब थे नहीं, वो सीओ साहब थे, वो कितना वार्ड करके गए, वो कितना वार्ड करके गए नहीं किए गए, इनको तो आप जानकारी भी नहीं दिए, ठीक है, 3 वार्ड का आपका मिल गया पैसा, बाकी 11 वार्ड का नहीं मिला, इसके लिए एकदम साधारण तरीका था मेरे भाई, एक पर्चा आवेदन बनाते, सामने वाले ने आश्वासन दिया था, करियौल प्रजापति, सुनो करियौल प्रजापति माधवपट्टी एको को नहीं हुआ, डीएम साहब आए लिख के दिया लेके चला गया, डीएम साहब वहाँ हमारे आपके हाथ में नहीं ना है कि आप कानून लेकर के रोड पर आ जाइएगा, नहीं नहीं हाँ समझिए, आप इनको घेर भी लिए, रोडो जाम कर दिए, हैं ये तो बहुत गलत काम है, आज 15 अगस्त के दिन ऐसा काम करिएगा, आज की आजादी मिली, आज ही हम अपने हक की नहीं बात कर रहे तो कब बात करें, आज हम यहाँ आजादी का मतलब नहीं, वोट घेरने की बात नहीं है, यहाँ आजादी का मतलब बैंक लूटना, बिल्कुल बंधक कोई नहीं, आजादी नहीं है, बैंक लूटना आजादी नहीं है, किसी को थप्पड़ मारना आजादी नहीं है, आजादी नहीं, हमने इनसे पूछा, हमने इनसे पूछा, अभी भी कुछ नहीं, बहुत समय है, आप आवेदन लिख के दीजिए हम लोगों के कि हम लोगों का 11 वार्ड सीओ साहब के नाम लिख दीजिए, सीओ साहब भेजेंगे, जिला जिला से टीम आएगा, आप लिख दीजिए, इससे नहीं कर सकते आप, 10 से 11 पूरा लिख दीजिए, आपको हम देंगे 1 से लेकर 11 तक दीजिए, हमके एक तो अपने गलत काम किए बैठने के लिए कर रहे हैं, आप रोड काफी कॉलम ले लेना, मेरा भेजने का किसी का ही नहीं था, इनको लेके जाइए, आप देख लीजिए, सुनिए तो सही पहले, हाँ आप देख लीजिए, आप सीओ साहब से बताइएगा ये बात कि वाकई लोगों के घर में पानी घुसा है लेकिन इनको नहीं मिला, इनको मिलना चाहिए, यही कह के लेके जाता है।
महिलाओं से बात हुई, महिलाओं ने कहा कि नहीं जब तक सीओ साहब नहीं आए तब तक बात नहीं करेंगे। हम में से किसी ने नहीं कहा, आपके बोले की देख लेंगे हम चले। आप महिला के कंधे पर महिला सब तो निरीह, हमने किसी से कहा आप लिख के दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी दीजिए, 10 मिनट आपके नाम से खाली कर दो मामला, खाली कर दो। सुनिए सुनिए सुनिए, ए बाबू साहब यहाँ है, उन्होंने मांगा आवेदन, किसी से आवेदन नहीं हुआ, उनका आवेदन लिख के दीजिए। ये अपने कहते उच्च स्तरीय अधिकारी को डीएम साहब को देंगे, वहाँ से पूछ लीजिएगा, फिर आप ऑथराइज है जाकर डीएम साहब से बात कर लीजिए। उसके बाद कभी नहीं आता है, 10 दिन 15 दिन का टाइम समय लीजिए, उसके बाद भी आता लिख दीजिए, अगर नहीं हुआ तो फिर सीओ साहब आए होते सामने देखे, उनके सामने हमने लेकर लिखा नहीं हुआ, फिर हम चालू रहने लंबा होने फीडबैक कर।